हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह लाहौल वाईफाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश आईटीआई, जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जून में होना संभावित था ऑनलाइन, लेकिन उसके संबंध में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आपके यहाँ बार आपका जो एग्ज़ाम होगा वार्षिक वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन ही होगा। न्यू टाइम टेबल क्या हो सकता है इसके संबंध में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्सक्राइब करने का किसी प्रकार से कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाल बटन सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो है आप बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि आईटीआई 2019 के संबंध में हो, एग्ज़ाम के संबंध में हो, टाइम टेबल के संबंध में हो, सबसे तेज आप तक इस चैनल के माध्यम से जरूर पहुंच पाए। तो लेते हैं पूरी खबर विस्तार से, देखते हैं क्या खबर प्राप्त हो रही है इस एग्ज़ाम के संबंध में। यहाँ से मित्रों आप लोग देख सकते हैं पूरी जो खबर है विस्तार से, यूपी आईटीआई की परीक्षाएं इस बार नहीं होंगी ऑनलाइन, है ना। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ, पूरी खबर लेते हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आईटीआई छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं अब ऑनलाइन नहीं होंगी। रोजगार महानिदेशालय डीजीटी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार देर शाम तक आए आदेश के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डीजीटी की ओर से केवल एकमात्र कोपा का पेपर केवल ऑनलाइन होगा और बाकी जितने भी आपके पेपर होंगे वो ऑफलाइन होंगे। आईटीआई में सब 2018-19 से सेमेस्टर पहले खत्म हो गई, जैसा कि आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। अब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। गत वर्ष अगस्त 2018 में डीजीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। इसके बाद छात्रों को ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इससे आईटीआई के करीब 4.5 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की ट्रेनिंग नहीं हुई। इसको लेकर प्राइवेट आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षा बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। इसको देखते हुए डीजीटी ने सभी ऑनलाइन परीक्षाएँ कराने का जो निर्णय था वो पोस्टपोन कर दिया है। अब छात्रों को ट्रेनिंग देने के बाद ही ऑनलाइन परीक्षाएं हो पाएंगी। पूरी खबर लेते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, ओएमआर पर होगी लिखित परीक्षाएं। डीजीटी के आदेश के मुताबिक वर्कशॉप कैलकुलेशन, इम्प्लायबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ट्रैंक समेत सभी लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन होनी थी, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में अब सभी लिखित परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ही कराई जाएंगी। केवल एकमात्र कोपा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग असिस्टेंट का टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा और बाकी जितने भी हैं सब आपके ऑफलाइन ही होंगे ओएमआर बेस पर। ये देखते हैं परीक्षाओं का नया शेड्यूल हो सकता है जारी। अब कब जारी होगा इसके संबंध में पूरी खबर आपको देते हैं। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर डीजीटी की ओर से 10 से 26 जून के बीच वार्षिक परीक्षा कराने की बात कही गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके हिसाब से 2017-18 के छात्रों के बीच सेमेस्टर परीक्षाएँ होनी थी। अब ऑनलाइन परीक्षा टलने के बाद परीक्षा का नया शेड्यूल जारी हो सकता है। फिलहाल डीजीटी ने परीक्षा को लेकर कोई भी नया शेड्यूल जारी नहीं किया है। ऐसे में छात्र असमंजस की स्थिति में है कि परीक्षाएं 10 जून से होंगी अथवा कोई स्थिति में परिवर्तन होगा। तो निश्चित ही जो है डेट में परिवर्तन होगा मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही कोई परिवर्तन होता है टाइम टेबल में आपके, तुरंत ही आपको इस चैनल के माध्यम से, राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित किया जाएगा। आगे की खबर देख सकते हैं, प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन के लखनऊ मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि डीजीटी ने ऑनलाइन परीक्षा टालने को लेकर छात्रों के हित में फैसला किया है। अब ट्रेनिंग के बाद अगले सत्र में परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती हैं। फिलहाल ट्रेनिंग में छात्रों के दिन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये पूरी खबर थी। जैसे ही टाइम टेबल नया जारी किया जाता है मित्रों, आपको सबसे पहले राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से जोर सूचना पहुँचाई जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को पुनः मैं एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, कुछ भी हो आईटीआई 2018-19 के संबंध, सॉरी 19-20 के संबंध में। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।